देखिए बेटा, वी डिड अबाउट द पेरेंटाइमा टिश्यू. इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. मतलब क्या है कि परमानेंट मतलब दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. ये डिवाइड नहीं करते, दे हैव पर्टिकुलर फंक्शन टू कैरी ऑन. इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो ये उसको कंटिन्यू रखते हैं. दे डोंट डिवाइड बट दे जस्ट कैरी ऑन अ सिंगल फंक्शन. अब देखो, ये जो पेरेंकाइमेटस टिश्यू है, इसमें दे हैव न्यूक्लियस, दे हैव साइटोप्लाज्म. ओके बेटा, द वैक्यूल इज टू बिग. ठीक है, वैक्यूल जो है काफी बड़ा है. अगर आप इसमें ये देखो, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, देयर आर इंटरसेलुलर स्पेसेस बट दे आर क्वाइट लेस. ओके, अब ये देखिए, ये आपका एक सॉरी, ये वो पेरेंकाइमा है जिसमें स्टोरेज का काम होता है. मैंने आपको बताया था ना, इट हेल्प्स टू स्टोर फूड. ये फूड को स्टोर करने का काम करता है. तो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए, ये स्टार्च ग्रेन्स जो हैं दैट आर बीइंग स्टोर्ड इन दिस पेरेंकाइमा. ओके, नेक्स्ट इज एरेनकाइमा. एरेनकाइमा मतलब मैंने क्या बताया था, एरेनकाइमा मतलब क्या चीज होती है उसमें, पार्ट इंटरसेलुलर स्पेस. हाँ, स्पेसेस ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या होगा, इट शुड बी एयर. एरेनकाइमा मतलब एयर. एयर क्या कर रहा था पेरेनकाइमा को, इट वॉज मेकिंग लाइटर. सो ये कहाँ मिलता है, हमारे हाइड्रोफाइट्स में मिलता है. हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, तो क्या होता है, आपने कभी भी किसी भी एक्वेटिक प्लांट को देखो तो इट इज ऑलमोस्ट फ्लोटिंग देयर ऑन द वाटर बॉडी. ठीक है, तो वो फ्लोट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस बाउंसी इफेक्ट. क्योंकि यहाँ पे देखो, इतनी सारी तो एयर भर गई. एयर फिल होने से क्या होता है, इट इसकी जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, नेट स्टार्ट्स फ्लोटिंग अबव द सर्फेस ऑफ वाटर. ओके बेटा, एंड ये एक और तरह का पेरेंकाइमा होता है विच इज पेलिसेड पेरेंकाइमा. सो ये पेरेंकाइमा हमें इतने, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिनका क्या होता है कि ठीक है, दे डोंट डिवाइड बट स्टिल दे आर सो हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स. कि इनके लिए क्या होता है, हाँ जी, तो प्लांट्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है. बिकॉज क्या करते हैं, एक तो ये इनका जो बेसिक काम हो गया, एक फर्मिंग स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, एक फर्मनेस देते हैं प्लांट को. ठीक है, प्लस हम इससे स्टोरेज का काम भी करवा लेते हैं, तो वो भी एक फर्क पड़ जाता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज योर कोलेनकाइमा. ओके बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कोलेनकाइमा. ये बेटा हमारे लिविंग सेल्स होते हैं. ओके बेटा जी, दीज आर द लिविंग सेल्स. बट यहाँ पे इसकी जो खास बात है बेटा, वो क्या है कि कोलेनकाइमा में ना आपके जो सेल बना होता है उसके कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा सेलुलोज की डिपोजिशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलोज. ओके बेटा, और इंटरसेलुलर स्पेसेस तो यूजुअली एब्सेंट होते हैं इसमें. मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस तो ना के बराबर होंगे, ये शेप में लंबे होते हैं, दे आर क्वाइट इलोंगेटेड. इलोंगेटेड मिलेंगे आपको. ठीक है बेटा, और ये एपिडर्मिस से, दे आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मल लेयर से बिल्कुल नीचे होते हैं ये. ठीक है बेटा, कोलेनकाइमा. अब ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, जैसे डाइकॉट स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे, पेटियोल में ऐसे होता है, डाइकॉट लीव्स की मिडरिब. मिडरिब क्या होती है बेटा, जैसे सपोज आपके पास एक लीफ है, लीफ इज लाइक ये लीफ है आपकी, राइट. तो मिडरिब इज लाइक जो इसका ये सेंटर पार्ट होता है, दिस. यहाँ पे आपको ये वाली चीज जो है कोलेनकाइमा, वो यहाँ मिलती है. ओके बेटा, देन ये आपको कभी भी, इट विल नॉट बी फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम्स. मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम्स में ये कभी भी नहीं होती, उनकी रूट्स में कभी नहीं होते, लीव्स में कभी नहीं होते. ठीक है, सो एक्चुअली ये मोनोकॉट प्लांट्स में एब्सेंट है. कौन एब्सेंट है, कोलेनकाइमा. फंक्शन क्या क्या है बेटा, व्हाट आर द फंक्शंस. फंक्शंस हैं बेटा, दे एक्ट एज मैकेनिकल टिश्यू. स्पेशली आपका जो यंग डाइकॉट प्लांट होते हैं उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और उसके साथ साथ दे आर एक्चुअली हेल्पिंग द प्लांट बाय प्रोवाइडिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ अलोंग विद फ्लेक्सिबिलिटी. आपने देखा होगा, जैसे सपोज कोई क्रॉप लगी है और बहुत हवा चल रही है, तो क्या होता है, क्रॉप बेंड कर जाती है पर टूटती नहीं है, राइट. बेंड कर जाएगी लेकिन वो टूटेगी नहीं. वो क्यों नहीं टूटी, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस. ओके, यही स्टेप मैंने, यही पॉइंट मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इट इज लाइक इजी बेंडिंग हो रही है बट देयर इज नो ब्रेकिंग डाउन. एक्चुअल ब्रेकिंग नहीं होती बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है. क्लियर है बेटा, तो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम जो है वो कोलेनकाइमा कर रहा है. क्लियर बेटा, नेक्स्ट इज योर स्क्लेरेनकाइमा. अब ये एक अलग तरह का आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है विच इज स्क्लेरेनकाइमा. अब व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या चीज है. दे आर बेसिकली
they are basically dead cells, okay? ये dead cells होते हैं, इनके पास protoplasm नहीं होता, ठीक है? इनकी walls में there is lignified cell wall, मतलब lignin जो होता है वो वहां पे deposited होता है. हमने बताया था कि plant में जो cell wall है ना, it is made up of cellulose, right? लेकिन sclerenchyma के केस में वहां पे lignin deposited cell walls होती है. क्लियर बेटा? ठीक है, समझ आई बच्चे? यस यस मैम. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट इज बेटा, अब इसमें क्या है, आपकी सेल कैविटी जो है ना वो एब्सेंट ही होती है. अब क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि जो लिग्निन की जो डिपोजिशन है ना वो काफी थिकन लेयर बना देती है. सो देयर इज एक्सेसिव थिकनिंग, जिसकी वजह से हमारी सेल कैविटी गायब हो जाती है. एंड दे आर सो क्लोजली पैक्ड सो दैट कि इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होती ही नहीं है. दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस. ओके, क्लियर हुआ? सो दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. ओके बेटा, अलॉन्ग विद दैट एक और खास बात होती है कि अगर आपको दो स्क्लेरोमेटस सेल्स को जोड़ना है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? देयर यू हैव मिडिल लैमेला. वो क्या करता है? दो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को आपस में ज्वाइन करता है. इट इज अ काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन. ओके, क्लियर? यस बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिंग लेयर है, विच इज लाइक किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लाइक सीमेंटिंग सब्सटेंस बोलते हैं हम उसको. सीमेंटिंग सब्सटेंस का क्या मतलब है? क्या क्या चीजें उसमें आती हैं? उसमें आ जाएगा पेक्टिन, देन लिग्निन एंड प्रोटीन्स. ठीक है जी, और ये हमेशा दो प्लांट सेल की जो एडजेसेंट प्लांट सेल होते हैं ना, उनके बीच में, वॉल्स के बीच में होता है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट. तो ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए होता है, मिडिल लमेला. ओके बेटा, अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ना बेटा, ये आपका दो टाइप का होता है. एक तो होते हैं फाइबर्स और एक होते हैं स्क्लेरेट्स. अब स्क्लेरेट्स मतलब ये ना काइंड ऑफ स्टोन सेल्स होते हैं, बड़े इरेगुलर शेप के होते हैं, एंड दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेड. ये डेड होते हैं, और इनके में क्या होता है कि लाइक अब जैसे ये ना दे जैसे अब इनकी शेप इरेगुलर हो गई, डेड हो गए, तो ये बड़े इनके अंदर स्पेसिफिकली कई जगह पे बड़े ओब्लिकली टेढ़े कटे हुए थिन एरियाज होते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज पिट्स. उसको हम पिट्स बोलते हैं. अब वो कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलते हैं थिक वॉल्स ऑफ बोथ फाइबर्स एज वेल एज स्क्लेरेट्स, दोनों में मिलते हैं पिट्स. ठीक है, अब फाइबर क्या चीज है? फाइबर आपके बहुत लंबे एंड थिक नैरो लिग्निफाइड सेल्स होते हैं जो 1 मिलीमीटर से लेके 550 मिलीमीटर तक एग्जिस्ट करते हैं. देन दे आर पॉइंटेड एट बोथ एंड, दोनों एंड्स पे ये पॉइंटेड होते हैं. देन आप इनको स्ट्रैंड्स में क्लस्टर कर सकते हो, और ये कई बार क्या है, पॉलीगोनल शेप में नजर आता है. जो इसकी शेप है, जब हम ट्रांसवर्सली इसको काटते हैं तो आपको पॉलीगोनल शेप में नजर आता है. तो स्क्लेरेनकाइमा आपके दो टाइप का हो गया, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स. फाइबर्स आपके लंबे लिग्निफाइड सेल्स हैं, जबकि जो स्क्लेरेट्स हैं दे आर क्वाइट इररेगुलरली शेप्ड डेड सेल्स. अब जो फाइबर्स हैं दे आर पॉइंटेड एट ईच एंड, और आप उसको क्लस्टर कर देते हो इनटू स्ट्रैंड्स. ओके, जैसे आपके हेयर में आप स्ट्रैंड बनाते हो, सो दैट इज काइंड ऑफ थिंग. नाउ अब ये कहाँ मिलता है स्क्लेरेनकाइमा, वेयर इट इज बीइंग फाउंड? अब ये आपको मिलता है स्टेम्स में, ठीक बेटा, रूट्स में, वेन्स ऑफ लीव्स में, ठीक बेटा जी. देन आपको ये मिलेगा हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स. अब इसमें 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है दैट इज ऑल्सो स्क्लेरेनमाइटस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है. वो आपने देखा ना जो नारियल होता है कोकोनट, उसके ऊपर ब्राउन कलर के जो हेयर से लगे होते हैं, हस्क बोलते हैं उसको, दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. इसका मतलब आप उसको एक्चुअली देख पाए हो, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को आपने अपने आसपास देखा है. अब ठीक है, ये आपको याद रहेगा. यस, माइक्रोस्कोपिक नहीं, फाइबर्स है ना बेटा, हमने बहुत सारे फाइबर्स को मिलके स्ट्रैंड बना दिया, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑब्वियसली, बट वो टिश्यू है ना बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो वो नजर आ जाता है. ठीक बेटा, अब इसके फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं बेटा. फंक्शंस हैं बेटा इसके, मेनली इसका काम है मैकेनिकल, एक सेकेंड, मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. मेन इसका काम है, एक तो इसने मैकेनिकल सपोर्ट देना है, स्ट्रेंथ देना है, और प्रोटेक्शन देना है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, एंड इलास्टिसिटी दे रहा है.
तो इससे क्या होता है, अगर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे, स्ट्रेंथ भी दी, रिजिडिटी भी दी, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी, इलास्टिसिटी भी दी, तो इससे क्या होता है, जो प्लांट है इट इज एबल टू बियर सो मेनी प्रेशर्स, बहुत सारे प्रेशर्स को बियर अप कर लेता है। ठीक है बेटा, तो अब हमने ये तीन टाइप के सिंपल परमानेंट इश्यूज किए, अब हम इनके बीच में ना थोड़े से डिफरेंसेस कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस आर रियली इंपॉर्टेंट। जैसे पेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? यस, अब पहला जो डिफरेंस है पेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा, ओके बेटा, अब फर्स्ट डिफरेंस आता है कि दे जो पेरेंकाइमा है ना बेटा, दे आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। यस, पेरेंकाइमा यही होता है ना, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। कोलेनकाइमा हो गए बेटा, वो सेल्स हैं जो जिनके सेल वॉल्स पे कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट थी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट होता है, जो पेरेंकाइमा है वो प्लांट बॉडी में एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा है वो ज्यादातर आपको एरियल पार्ट्स में मिलेगा। क्लियर बेटा? यस। देन जो पेरेंकाइमा है वो फूड को एसिमिलेट करता है और स्टोर करता है, एंड अलोंग विद दैट वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर लेता है। ठीक है, और आपका जो कोलेनकाइमा है वो मैकेनिकल टिश्यू है, मेन क्या है वो मैकेनिकल टिश्यू। क्लियर बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेरेंकाइमा इज लाइक दे आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, देयर एज कोलेनकाइमा दे आर सेल्स हैविंग लोकलाइज थिकनिंग इन सेल वॉल्स। जो पेरेंकाइमा है इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइड स्प्रेड, काफी जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वेयर एज इन केस ऑफ कोलेनकाइमा द डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एरियल पार्ट्स ओनली। द पेरेंकाइमा टिश्यू इट हेल्प्स टू एसिमिलेट एंड स्टोर फूड एज वेल एज स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेयर एज कोलेनकाइमा इज कंसर्न्ड विद मेनली मैकेनिकल इश्यूज। ओके, तो वो मैकेनिकली सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना, इन चीजों में हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो फर्स्ट इज योर कोलेनकाइमा, देन यू हैव स्क्लेरेनकाइमा। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा जी, अब देखो फर्स्ट जो कोलेनकाइमा है दे आर लिविंग सेल्स, जबकि स्क्लेरेनकाइमा दे आर डेड सेल्स, डेड होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इनके पास साइटोप्लाज्म होता है, दे आर एम्प्टी, स्क्लेरेनकाइमा दे आर एम्प्टी सेल्स, दे डोंट हैव साइटोप्लाज्म इन देम। ओके जी, नेक्स्ट इनकी जो सेल वॉल है, द कोलेनकाइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जबकि स्क्लेरेनकाइमा इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, किसकी बनी होती है बेटा, लिग्निन। ओके, अब जो हमारा एक कोलेनकाइमेटस सेल होता है उसकी जो सेल वॉल थिकनिंग होगी ना वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, मैंने आपको बताया ना उसके कॉर्नर्स पे होती है बेसिकली थिकनिंग, सो देयर इज जो थिकनिंग है वो एक नॉन यूनिफॉर्म लुक देती है, वेयर एज इन केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा थिकनिंग इज यूनिफॉर्म, काफी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, एक जैसी नजर आएगी आपको। देन इसका जो ल्यूमेन है दैट इज क्वाइट वाइट, मतलब कैविटी, इस केस में क्योंकि आपकी थिकनिंग ही बहुत ज्यादा है तो क्या है आपका जो कैविटी बचती है वो बहुत 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 नैरो बचती है, इट्स वेरी नैरो ल्यूमेन। देन बेटा जी, आपका जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो आपके लिए क्या काम कर रहा है, प्लांट के लिए मतलब मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, वेयर एज जो स्क्लेरेनकाइमा है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ काम करता है एक एज अ मैकेनिकल टिश्यू। क्लियर बेटा जी, आई होप इट इज क्लियर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रिपीट क्या करना है कि जो कोलेनकाइमा है दे आर एक्चुअली लिविंग सेल्स, वेयर एज जो स्क्लेरेनकाइमा है दे आर डेड सेल्स। Is that clear, बेटा? Next, कोलेनकाइमा हमारे उनके पास साइटोप्लाज्म होता है, whereas स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज दे आर एम्प्टी। Is that clear, बेटा? Then कोलेनकाइमेटस जो आपके टिश्यूज होंगे उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, ओके, whereas स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल लिग्निन से बनी है। दिस पॉइंट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन यू हैव कि जो इनकी थिकनेस आती है, थिकनिंग जो है सेल वॉल की कोलेनकाइमा टिश्यू में वो नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज बिल्कुल हाफ हैजर्ड से नजर आएगी, वेयर एज स्क्लेरेनकाइमेटस में आपकी स्क्लेरेनकाइमा में इट विल बी वेरी यूनिफॉर्म। क्लियर बेटा? देन आपका जो कोलेनकाइमा है दैट हैज गॉट वाइड ल्यूमेन, वेयर एज इन स्क्लेरेनकाइमा द ल्यूमेन इज वेरी नैरो, ओके।
एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉलन काइमा है वो हमें मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी दे रहा है, वेयर एज जो स्क्लेरन काइमा है इट इज चीफली मैकेनिकल टिश्यू. आई होप दैट मेक्स इट वेरी मच क्लियर. ओके सो नाउ द प्रोटेक्टिव टिश्यूज. अब प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या है? प्रोटेक्टिव मतलब जैसे हमें नाम बता रहा है कि दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, इनका काम है प्रोटेक्ट करना. ओके प्रोटेक्ट करते हैं ये हमें, और हमें मतलब प्लांट्स को. दे आर एक्चुअली सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं. ठीक है, और ये दो टाइप के, ठीक है, दे आर ऑफ टू मेन. हाँ जी बेटा. मैम वो लाइट चली गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया. ओके फाइन. दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज कॉर्ड. तो ये दो टाइप के आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं. One of the protective tissue is epidermis and the other is cord. Now we will first look into what is epidermis. देखो बेटा, जो epidermis है, ये usually आपका बिल्कुल outermost layer में present होता है. ठीक है जी? It is present in outermost layer of the plant body. बिल्कुल last, तब बिल्कुल बाहर की तरफ. ये हमेशा single cell thick, मतलब ये इतना पतला ही हुआ एक तरह से, but ये हम इसको ये लेके चलते हैं कि it is just one celled thick and it is covered with क्यूटिकल. ये इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एपिडर्मिस है ना, इट इज कवर्ड विद क्यूटिकल. अब वो क्यूटिकल क्या चीज है? क्यूटिकल बेटा आपका जो एक ऐसा लेयर है विच इज वाटरप्रूफ, वाटरप्रूफ है. लेकिन ऑब्वियसली इसको वाटरप्रूफ कौन बनाता है? वाटरप्रूफ बनाने के लिए इट हैज अ वैक्सी सब्सटेंस ओवर इट विच इज कॉल्ड क्यूटिन. ओके उसे हम बोलते हैं क्यूटिन. अब ओके तो इसका फायदा क्या होता है बेटा एपिडर्मिस का? मतलब इसके ऊपर हम क्यूटिकल की जो लेयर है वो वाटरप्रूफ है, दैट मीन्स क्यूटिन की लेयर है. तो वो क्या कर रही है? वो अनड्यू जो वाटर की इवेपोरेशन है, अनवांटेड जो वाटर की इवेपोरेशन है उसको रोकती है. ठीक है, उसको रोकेगी क्योंकि देखो प्लांट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरगो ट्रांसपिरेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. मैं आपसे ये बात पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जितना अगर 100% पानी एक प्लांट अब्सॉर्ब कर रहा है तो 98% पानी गोज वेस्ट, जस्ट 2% वाटर इज यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो उसको इतना पे करना पड़ता है जस्ट 2% वाटर के लिए. तो अगर वाटर जो है ऐसे ही इधर उधर से इवेपोरेट होता रहेगा तो उसके लिए वो ट्रांसपिरेशनल पुल को बना के रखना इज वेरी डिफिकल्ट. तो उस केस में नेचर ने उन चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या किया कि प्लांट के आउटर बॉडी के ऊपर वी हैव अ कवरिंग विच इज कवर्ड विद क्यूटिकल. एक कवरिंग दे दी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर लगा दी क्यूटिकल की, भाई अब आप वाटर जो है दैट इज वाटर प्रूफ एंड उसमें से वाटर जो है वो अननेसेसरी इवेपोरेट नहीं होगा. ठीक हो गया. अब एपिडर्मिस जो है ना बेटा, इट इज एक्चुअली जो इसके अंदर सेल्स जो होते हैं दे आर इलोंगेटेड एंड फ्लैटेड. ओके उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेस. अब इसका रीजन है, क्या रीजन है? देखो बेटा एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर. अब जो भी एक्सटर्नल जो भी एनवायरनमेंट है सबसे पहला कॉन्टैक्ट ये एपिडर्मिस कर रहा है. ये अगर एनवायरनमेंट है ये आपका एपिडर्मिस है. अगर सपोज इसके बीच में गैप्स हो तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल एंटर इजीली. बट व्हेन देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं है, तब क्या हो रहा है? क्या वो एंटर कर सकते हैं? नो दे कांट एंटर. सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है. देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट. ओके सो दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस सो एज टू कम बैक द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और any other damaging factor. Okay, clear? Yes? चलिए. So next is your बेटा इसके functions हम देख लेते हैं कि epidermis के main functions क्या क्या हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि इसका main function क्या है कि इसने ना protection देनी है. अब protection किस किस चीज से देनी है? From desiccation. Desiccation मतलब गल जाना. अब इसकी जो मैंने आपको अभी समझाया कि इसके ऊपर एक layer है, cuticle की layer है which is made up of cutin जो कि एक वाटरप्रूफ लेयर होती है. ठीक, अब वाटरप्रूफ लेयर का फायदा ही यही है कि भाई ना तो पानी इवेपोरेट करे, ना पानी इसके ऊपर टिका रहे, वो सब बह जाएगा. ठीक है, तो इसके ऊपर टिकेगा नहीं पानी, तो उससे क्या है? डेसिकेशन नहीं होती. दूसरा, ये प्लांट को इन्फेक्शन से रोकता है. ठीक हो गया, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब जो वो क्यूटिकल मैंने आपको बताया था, देखो उसने इन दोनों में काम कर रहा है. एक तो वो ट्रांसपिरेशनल जो वाटर लॉस होना है उसको कम करता है. दूसरा वो क्या काम कर रहा है कि वो पैथोजेंस की एंट्री को रोक रहा है. इट इज प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस. ठीक है बेटा, ओके क्लियर. अब बेटा एक टर्म आती है विच इज योर ट्राइकोम्स. अब व्हाट आर दीज ट्राइकोम्स?
ट्राइकॉम्स क्या होता है बेटा, ये कई बार क्या होता है कि प्लांट के ना एरियल पार्ट्स में एक क्यूटिनाइज्ड हेयर होते हैं ओवर एपिडर्मिस, उसको हम बोलते हैं ट्राइकॉम्स। और उनका मेन फंक्शन क्या है कि दे हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि क्यूटिनाइज्ड लेयर आ गई। ठीक है, लेयर कौन सी है? क्यूटिनाइज्ड। तो वो हेयर जो पूरे के पूरे एपिडर्मिस पे होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रांसपिरेशनल रेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है क्यूटिकल, मैंने आपको बताया कि वो एक वाटर प्रूफ लेयर है। ठीक हो गया, तो वाटर प्रूफ से क्या होता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है, वाटर प्रूफ है तो वाटर उसके ऊपर टिकेगा ही नहीं। नेक्स्ट जो आपका आता है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर, सेकेंड इज कॉर्क। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे जैसे प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, प्लांट इज ग्रोइंग ओल्डर, नेचुरल सी बात है। अब जब वो ग्रो कर रहा है तो अब देखो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है, एवरी ऑर्गेनिज्म फेसेस सम चेंज। अब प्लांट्स में जो एपिडर्मल लेयर है उसके अंदर भी चेंज आता है। अब क्या चेंज आ रहा है? चेंज आता है बेटा कि जो स्टेम की एपिडर्मिस थी उसकी जगह, एपिडर्मिस की जगह वहां पे एक सेकेंडरी मेरिस्टेम की स्ट्रिप आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम की जगह देयर कम्स अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हमने नाम दिया फिलोजेन या फिर कॉर्क कैम्बियम। इज दैट क्लियर बेटा? यस यस। चलिए, सो वी विल नाउ लुक इनटू दिस कॉर्क कैम्बियम। देखो बेटा, अब ये जो है बच्चे, ये आपका सिंपल टिश्यू है, मैंने आपको बताया। सिंपल टिश्यू का क्या मतलब है? जैसे ही मैंने नाम ले दिया ना सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू में नाम लेते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि सिंपल टिश्यू मतलब जिसके पास एक ही टाइप के सेल्स होंगे। क्लियर? रेक्टेंगुलर होते हैं ये शेप में, जो इसका के पास जो आपका वैक्यूल है वो बहुत बड़ा प्रेजेंट होता है। टैनन्स होते हैं, ये एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या है बेटा, देखो जो कॉर्क होता है ये क्या करता है, ये अपने दोनों तरफ न्यू सेल्स को गिव राइज करता है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, आउटर साइड जो है वो बन जाता है फिल्म। ठीक बेटा, आउटर साइड पे क्या बना? फिल्म। और इनर साइड पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईदर वी से इट सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फिलोडर्म ऑन द इनर साइड। ठीक है बेटा, कॉर्क ने क्या किया, अपने दोनों तरफ ना दोनों साइड पे न्यू सेल्स देता रहता। तो आउटर वाली साइड पे तो क्या बन गया? फिल्म। और इनर साइड पे इट बिकम्स फिलोडर्म। ठीक बेटा, अब ये जो है दीज आर डेड, एक तो डेड होते हैं ये डेड एंड दे आर वेरी 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 कॉम्पैक्टली अरेंज, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखना कि देर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक बेटा जी, अब देखो बेटा, अब ये जो कॉर्क सेल है ना, इसकी जो वॉल्स बनी होती है दे आर वेरी मतलब heavily embedded with an organic substance. एक organic substance वहाँ पे बहुत ज़्यादा deposited होता है, which is suberin. अब ये क्या करता है? ये जो है, ये specifically एक ऐसा substance है, which is impermeable to water as well as gases. ना यहाँ से gases exchange हो सकता है, ना ही water का loss या water की entry. Okay? Impermeable बना दिया इसने. किससे बना दिया impermeable? Water and gases. Is that clear? हाँ जी, क्लियर है बेटा। सो इसका कैसा फंक्शन हुआ? प्रोटेक्टिव हुआ। देन अगेन इट विल प्रिवेंट डेसिकेशन, इन्फेक्शन या कोई भी मैकेनिकल इंजरी। यस, देन बेटा ये काफी हल्का होता है, इट इज क्वाइट लाइटर। ठीक, और इसके अंदर देयर द प्लांट्स डोंट कैच फायर इजीली बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू। ठीक है, इसे हम एज इंसुलेटर्स यूज करते हैं, एज शॉक अब्सॉर्बर्स यूज करते हैं, या फिर हम इसको इन स्पोर्ट्स गुड्स यूज करते हैं कॉर्क। ठीक बेटा जी, क्लियर? यस। अब बेटा देखो, जो कमर्शियल कॉर्क है ना बेटा, वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट कमर्शियल कॉर्क? वो है बेटा, हमें एक कॉर्क ओक ट्री होता है, उसकी सरफेस, स्टेम की सरफेस से मिल जाता है। एंड वो जो है दैट इज ऑर्कस सबर, और ये आपको सदर्न यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। क्लियर बेटा? यस। नाउ एक ऑर्गनली होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा तो सबने सुना होगा। यस यस मैम। क्या होता है स्टोमेटा, मुझे भी बता दो।
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यस इट्स एन ओपनिंग जिसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैरी ऑन होता है. तो ये कहाँ मिलता है हमें, ये मिलता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ में. अब सबसे बड़ी बात है कि जो एपिडर्मिस होता है ना, मैंने आपको ये बताया था कि जो एपिडर्मिस होगा उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है. लेकिन जो लीफ में एपिडर्मिस है उस केस में क्या है कि भाई वो कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि छोटे 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 पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं. तो ये वहां पे एपिडर्मिस को क्या बना देता है, नॉन कंटिन्यूस. और कौन बना रहा है, स्टोमेटा. और स्टोमेटा के आसपास आपके एक पेयर ऑफ गार्ड सेल्स वहां पे प्रेजेंट होता है जो एक किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं. ठीक है बेटा, ओके बेटा जी. यस मैम. ओके चलिए. सो अब ये जो गार्ड सेल्स हैं बेटा, ये ऐसे अकेले एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है. इस बात को याद रखना, एक्सेप्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट. सो गार्ड सेल्स क्या है बेटा, गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट. एंड स्टोमा जो है वो क्या करता है, इट इज डूइंग गैसेस एक्सचेंज, देन इट इज अंडरगोइंग रेस्पिरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन. इज दैट क्लियर? अब ये क्लियर हो गया आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू. नाउ वी विल कैरी ऑन परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके हाँ जी बेटा. चलिए नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. द वर्ड कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ डिफाइंस इट. अब कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है. अब कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि इनके पास देयर इज लाइक दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. लेकिन एक अच्छी बात क्या होती है, बिकॉज दे आर टिश्यूज सो ऑब्वियसली वो जो जितने भी सेल्स होंगे उन सबका ओरिजिन जो है वो कॉमन होगा. ठीक है जी, क्लियर है बेटा. सो दे हैव गॉट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स बट हैविंग अ कॉमन ओरिजिन. अब इनका मेन पर्पस क्या है बेटा, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट एंड फूड मटेरियल. और वो वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैरी ऑन करते हैं. अब दे कंसिस्ट ऑफ मेन टू टाइप ऑफ टिश्यूज जो है हमारे जाइलम एंड फ्लोएम. यू मस्ट हैव हर्ड दीज नेम्स, जाइलम एंड फ्लोएम. अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वी कॉल देम एज वैस्कुलर टिश्यू और वी कैन कॉल देम एज वैस्कुलर बंडल्स. क्लियर बेटा? यस यस मैम. हाँ जी. नाउ वी विल डू जाइलम. अब हम जाइलम के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज जाइलम. जाइलम देखो बेटा, इट्स अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू. जैसे ही नाम आ गया ना वैस्कुलर, इसका मतलब है कि दे आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि दे हैव गॉट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. दे आर बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू. वैस्कुलर का मतलब यही होता है कि दे आर, देयर मेन फंक्शन इज टू कंडक्ट. अब जो ये जाइलम है ना बेटा, इट इज लाइक इट्स मेड ऑफ फोर मेन कॉम्पोनेंट सेल्स. इसके पास चार तरह के सेल्स होते हैं. पहला है जाइलम पैरेन्काइमा, then you have tracheids, then you have vessels, and then you have xylem sclerenchyma. अब ये नाम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, right? Yes? जैसे कि yes, है ना, जैसे कौन सा yes, जाना पहचाना है, एक तो ये parenchyma है, एक हमारा sclerenchyma है, एक हमने tracheids पढ़ा था पीछे, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल टिश्यूज को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ठीक है बेटा. तो वेरी फर्स्ट क्या है आपका, जाइलम पैरेन्काइमा. तो वेरी फर्स्ट इज योर जाइलम पैरेन्काइमा. ओके बेटा. नेक्स्ट है आपका बच्चे ट्रेकियड्स, देन यू हैव वेसल्स, जाइलम वेसल्स बोलते हैं इसको, एंड लास्ट इज योर इट इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं. अगर हम अब इस जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दें तो बाकी ये तीनों जो सेल्स हैं दे आर डेड. ठीक है, ये डेड होते हैं. दे हैव गॉट वेरी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स. ओके बेटा, ये एक मेन पॉइंट दिमाग में रहेगा. अब इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है ना वो कौन सा होगा आपके हिसाब से, जो लिविंग है? नहीं, आउट ऑफ दीज फोर वेसल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल. जो डेड. हाँ, वेसल्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा. अब वेसल्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली ये बहुत लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप लगा लो सेल को हम एंड टू एंड जोड़ते जाते हैं तो वी गेट ऑन टू फॉर्म
ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत लंबी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जस्ट बाय एंडिंग सेल्स प्लेस्ड विच आर इन टू इट. ओके बेटा, अब इनके जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना, ट्रांसवर्स बॉल्स, सॉरी वेव्स नहीं बॉल्स, वो ना थोड़ी सी डिजोल्व होंगी या पार्शली या कम्प्लीटली. तो उससे क्या होता है, एक लगातार चैनल बन जाता है पूरा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आई जस्ट ड्रॉ, लाइक मैंने यहाँ पे ये एक सेल बना दिया, देन ये एक सेल बना दिया, देन ये एक सेल बना दिया, ठीक है. अब अगर सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे ये चीज को हम हटा दे, हल्का फुल्का हटा दे, तो ये कैसा बन गया, एक कंटिन्यूस फ्लो बन गया, एक कंटिन्यूस ट्यूब बन गई लंबी सी. यस क्लियर? यस मैम. हाँ जी. सो अब जो ट्रैकेट्स होते हैं, ट्रैकेट्स जो है ना बेटा, दे आर इलोंगेटेड सेल्स, वो थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और उनका जो मेन है, जो एंड्स होंगे ना, वो टेपरिंग होते हैं, ठीक है. इलोंगेटेड सेल्स हैं. Along with that, they have tapering ends. इनका main काम है, they have to conduct water. ठीक है, water conduction करते हैं. इनके पास में जो ends हैं, वो open नहीं होते. तो इनके अंदर से पानी कैसे बाहर जाता है? It goes via pits. छोटे-छोटे holes होते हैं इनके पास, pores होते हैं, जिन्हें हम pits बोलते हैं. So tracheids के अंदर जब conduction हो रही है, that is taking place with the help of pits. Xylem parenchyma जो है, that is helping in storing the food as well as in the lateral conduction of water. ठीक है बेटा, तो xylem जो parenchyma है, वो food store कर रहा है और उसके साथ साथ वो lateral conduction of water में भी help कर रहा है. Clear बेटा जी? Next आता है बेटा, इनके functions क्या है. Xylem का main function क्या है बेटा जी, वो हमें पता है कि इसका main function होता है, it carries water and mineral salts upwards. Downwards नहीं लेके आता, it is going upwards. इसका जो direction है movement का, वो सिर्फ upwards होता है. Along with that, it is providing mechanical strength. Okay? क्योंकि skeleton का मैं है ना इसके पास, वो mechanical strength provide करता है. Now we have phloem. अब बेटा phloem जो है, ये भी tube-like structure है, complex permanent tissue है. इसका लेकिन एक है कि इसमें कोई भी मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता, इट डज नॉट कैरी ऑन मैकेनिकल फंक्शन. ठीक है, इसके पास भी चार एलिमेंट्स होते हैं. चार एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा इसके? एक तो है सीड ट्यूब्स, देन इट हैज कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. अब आउट ऑफ दिस ओनली फ्लोएम फाइबर्स दे आर डेड, बाकी सब क्या है? लिविंग. जबकि जालम के केस में क्या था, सिर्फ एक कॉम्पोनेंट वॉज लिविंग, बाकी सारे क्या थे? डेड. राइट? इस केस में एक कंपोनेंट इज डेड, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स दे आर लिविंग. ओके, नाउ अब ये सीव ट्यूब्स क्या है? सबसे पहले वी विल लुक इनटू कि व्हाट आर लाइक सीव ट्यूब्स जो है वो कैसे काम करते हैं. दे आर वेरी स्लेंडर, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें थिन वॉल्ड सेल्स जो है वो एंड टू एंड प्लेस हो जाते हैं. अब इसमें एक खास बात है कि दे हैव गॉट परफोरेटेड सेल वॉल्स, जिसे हम नाम देते हैं सीव ट्यूब्स या सीव प्लेट्स. अब बेटा ये जो है परफोरेशन, ये किस लिए है? क्योंकि जो फ्लोएम होता है ना बेटा, उसका काम होता है डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स बोथ होता है, लेकिन वो डाउनवर्ड ज्यादा आता है. अब डाउनवर्ड्स मतलब कि उसको ग्रेविटी की हेल्प मिल गई, तो क्या होता है, जो फूड आता है वो फूड एकदम से नीचे आएगा, बिकॉज अर्थ जो है वो इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उस वजह से अगर हम कोई एक सरफेस ऐसी दे दें जहाँ पे बीच बीच में होल्स हो, तो ऑब्वियसली वो रुक रुक के खाना आएगा नीचे, एकदम से झटक देके नीचे नहीं आ जाएगा. So, उससे उसको बचने के लिए सीव ट्यूब्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद सीव प्लेट्स. ओके, इसकी वॉल्स भी परफोरेटेड होती हैं, दे हैव गॉट परफोरेटेड वॉल्स, और इनके पास न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता, सो दे डोंट अंडरगो डिविजन. कंपेनियन सेल्स आपके थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, दे हैव गॉट वेरी डेंस एंड एक्टिव साइटोप्लाज्म. ठीक है बेटा, वेरी लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है. दे आर कनेक्टेड टू सीव ट्यूब विद न्यूमरस प्लाज्मोडेमेस्टा. ठीक है जी. देन आता है बेटा फ्लोएम पेरेन्काइमा. फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है ना बेटा, उसका देखो पेरेन्काइमा जब आ गया तो उसका मतलब उसने फूड को स्टोर तो करना ही करना है. अलॉन्ग विद दैट इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स. ओके, देयर इज स्टोरेज ऑफ फूड, इट हेल्प्स कंडक्शन, मतलब ये क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है कंडक्शन को, लेटरल कंडक्शन, बाहर की तरफ जो कंडक्शन जा रही है उसको स्लो डाउन कर देता है. Then phloem fibers,
ये क्या करते हैं, दे आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड डेड सेल्स, नैरो ल्यूमन होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन मैंने आपको बताया, इट वुड कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स, और फिर स्टोरेज ऑर्गन से यहाँ पे ग्रोइंग रीजन वहां तक फूड को ये पहुंचाते हैं. So the process of movement of food, food को इधर से उधर लेके जाना is known as translocation and it is done by phloem. Is that clear? Yes, so here we finish the topic of plant tissues. In the next class, we will continue, we will start with our animal tissues. Okay, beta?